हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप कनाडा में आए हो और अगर आपने कैंपिंग ट्रिप नहीं किया है तो आप अपने लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैंपिंग साइट बुक कर सकते हो। कनाडा में जितने भी प्रोविंस है उसमें प्रोविंशियल पार्क्स होते हैं जो कि बेसिकली एक फॉरेस्ट ही है। उस फॉरेस्ट में गवर्नमेंट ने अलग अलग कैंपिंग साइट बनाई होती है। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये एक कैंपिंग साइट है जो कि हमने ऑनलाइन रिजर्वेशन किया था। इस कैंपिंग साइट का बहुत ही जल्दी रिजर्वेशन होता है, तो आपको मेक श्योर करना होता है कि जब भी रिजर्वेशन ओपन हो आप तुरंत ही अपनी डेट फिक्स करके रिजर्वेशन कर लो, क्योंकि समर के टाइम पे यहाँ पे कैंपिंग साइट सारी की सारी बुक होती है। तो अगर आप ओंटारियो में हो तो ontarioparks.ca करके वेबसाइट है जिसमें से आप ये साइट बुक कर सकते हो। अगर आप अल्बर्टा में हो तो albertaparks.ca करके वेबसाइट है। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में हो तो camping.bcparks.ca करके वेबसाइट है जिसमें से आप ये बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, प्रोविंशियल पार्क यूजुअली कोई लेक के पास होता है और यहाँ पे अलग अलग कैंपिंग ग्राउंड्स होते हैं। उस ग्राउंड में अलग अलग कैंपिंग साइट्स लगी होती है। एक जो साइट होती है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया नहीं होता है, जैसे कि हमारी ये साइट है। दूसरी साइट ऐसी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया होता है, जिसके अंदर आप अपना रिक्रिएशनल व्हीकल RV लेके भी आ सकते हो और वो साइट काफ़ी जल्दी बुक हो जाती है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो जो कैंपिंग साइट है, उसके अंदर ये रिक्रिएशनल व्हीकल RV लेके लोग आते हैं। यहाँ पे आप अपनी कार में ये टेंट लेके आ सकते हो जो कि आपको यहाँ पे आके लगाना होता है। तो कैंपिंग ट्रिप में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो और आपको कौन कौन सी चीज़ें लानी है, उसके लिए आप कैप्शन पढ़ सकते हो। फॉलो मी फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अबाउट कनाडा।